इमोशनल लव स्टोरी बोझ। सविता अपने माता पिता की बहुत लाडली बिटिया थी, तीन बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी सविता। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह ऐसे ही उनसे कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक ही पहचान थी। एक दिन उसके घर पर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। सविता के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर सविता ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम राजू था। राजू काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में सविता की जगह वैसी ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य सविता की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। सविता का बेटा रमेश उसके जान से भी प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। सविता कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे प्यार करता था, चाहे जीवन में कैसा भी समय आए। मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं, मैं कभी अकेली नहीं हो सकती, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद सविता की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। राजू को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। सविता, राजू और रमेश बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के बाद इलाज के बाद राजू और रमेश तो ठीक हो गए, लेकिन सविता पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आँखों की रोशनी खो बैठी थी। अब सविता की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति कम होने लगी। घर में सविता के पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। राजू भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस रमेश ही था जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन सविता के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से रमेश को हल्की सी चोट लग गई। सविता के सास ससुर ने रमेश को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जाए। सविता अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो राजू ने उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन रमेश को उसके साथ नहीं भेजा गया। सविता कभी रमेश से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। सविता को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। मायके वाले भी इतने दिनों के बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। सविता के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ सविता की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा उसका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि राजू कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। सविता के चलते वक्त कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ा बहुत टोंका टाँकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया।
छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। सविता के माता पिता रोज़ रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने राजू को खुद से फ़ोन कर दिया। राजू सविता को अपने घर ले गया। सविता को अपने परिवार वालों से यह उम्मीद ना थी। जिस सविता के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए अब वह बोझ बन चुकी थी। राजू के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े रमेश के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। सविता को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। रमेश से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने से पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। सविता ज़्यादातर चुप रहती, कभी कभी काम वाली बाई से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए रमेश का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने लगा।